मास्टर स्ट्रोक, ड्रैगन को लगा हार्ट स्ट्रोक, इंडिया की राफेल वाली ताकत की तैनाती, दिखने लगी है चीन की बर्बादी। इंडिया चीन टेंशन पर सबसे बड़ी खबर आई है। भारत की एक चाल से चीन टेंशन में आ चुका है। भारत ने हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल की तैनाती कर दी है। हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल को 101 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। यहां पहले मिग 27 का स्क्वाड्रन था जिसे अब रिटायर कर दिया गया है। लेकिन हाशिमारा में राफेल की तैनाती से चीन की टेंशन क्यों बढ़ने लगी है, इसे समझने की जरूरत है। हाशिमारा से सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर दूर है भूटान। इसी भूटान की सीमा से लगी है चुंबी वैली यानी चुंबी घाटी। चुंबी घाटी के बगल में ही स्थित है डोकलाम। इसी डोकलाम में 2017 में भारत और चीन आमने सामने थे। चुंबी वैली भारत, भूटान और चीन का ट्रायंगुलर जंक्शन है। हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन से डोकलाम तक पहुंचने में राफेल को 5 मिनट से भी कम वक्त लगेगा। हाशिमारा इंडियन एयरफोर्स का ईस्टर्न कमांड है, जहां से ना सिर्फ ईस्ट बल्कि नॉर्थ ईस्ट भी कवर हो सकता है। हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन को 1962 पे इंडिया चीन युद्ध के दौरान ऑपरेशन में लाया गया। इसे लीथल 16 या विंग 16 भी कहते हैं, जहां हिंदुस्तान के तूफानी एयरक्राफ्ट तैनात किए जाते हैं। हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन चुंबी वैली के नजदीक है, जहां से सिक्किम फ्रंट की हिफाजत की जा सकती है। यहां से सिक्किम पहुंचने के लिए राफेल को 5 मिनट से भी कम का वक्त लगेगा। राफेल की तैनाती के लिए यहां पर 400 करोड़ के हैंगर्स, शेल्टर्स और तमाम साजो सामान की तैयारियां की गई हैं, जहां पर विमान को रखा जाएगा। हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन चुंबी वैली के नजदीक है, जिससे हम सिक्किम फ्रंट की हिफाजत कर सकते हैं। यहां से सिक्किम तक पहुंचने में राफेल विमान को 5 मिनट से कम वक्त लगेगा। राफेल की तैनाती के लिए यहां 400 करोड़ के शेल्टर, हैंगर और दूसरे साजो सामान तैयार किए गए हैं, जहां राफेल विमानों को रखा जाएगा। हाशिमारा से करीब 213 मील दूर है तेजपुर और चाबो एयरफोर्स स्टेशन, जहां सुखोई 30 MKI और भारत में बना तेजस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट तैनात है। हाशिमारा में राफेल की तैनाती इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारतीय सीमा से लगे अपने एयरबेस पर चीन ने J-7, J-8 और J-11 जैसे लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रखी है। लेकिन 4.5 जनरेशन का राफेल इन सब के रडार को चकमा दे सकता है और दुश्मन के गढ़ में जाकर तबाही मचा सकता है। 101 स्क्वाड्रन राफेल विमान से लैस होने वाली दूसरे इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन है। इसका गठन 1 मई 1949 को पालम में किया गया था। इसके बेड़े में हॉवर्ड, स्पिटफायर, वैम्पायर, सुखोई 7 और मिग 21M फाइटर जेट्स रह चुके हैं। 1962 यानी भारत चीन युद्ध और 1971 के भारत पाक युद्धों में इस स्क्वाड्रन की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया ने विधिवत तरीके से 101 स्क्वाड्रन में राफेल को तैनात किया है। ये उनकी प्लानिंग का ही नतीजा है कि ईस्टर्न रीजन में भारत की पोजीशन मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा अब हमारे पास ईस्टर्न कमांड में सुखोई MK-30, तेजस और राफेल शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें, ये आपको याद रखने की जरूरत है कि अगर हमें चीन से लड़ना है तो फिर हमें हमारे ईस्टर्न कमांड को मजबूत करना होगा, और ये राफेल की तैनाती के बाद हो चुका है।